लॉकडाउन के दौरान बुलंदशहर पुलिस की ज्यादती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस के एक सिपाही ने ई रिक्शा चालक को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर घायल कर दिया क्योंकि पीड़ित लॉकडाउन के बीच रोजी रोटी की तलाश में रिक्शा लेकर घर से सड़क पर आ गया था। आपकी स्क्रीन पर ये वही वायरल वीडियो है जो पुलिस की ज्यादती को साफ बयां करता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक के कोहनी से कितना खून बह रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिखने वाले सिपाही ने युवक पर वार कर उसे घायल किया है। वहीं युवक की निर्ममता से पिटाई होते देख मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिससे न सिर्फ सामाजिक दूरी का उल्लंघन हुआ बल्कि काफी देर तक सड़क पर हंगामा भी होता रहा। जैसे ये तथ्य संज्ञान में आया है, इसमें एक कर्मचारी पे आरोप था, उसको तत्काल लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसकी विस्तृत जांच सीओ सिटी को दी गई है। सीओ सिटी इस मामले की जांच करें, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पे आगे भी कार्यवाही की जाएगी। हालांकि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर करते हुए मामले की जांच सीओ सिटी को सौंप दी गई है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।